मैं मिस्टर हिमांशु जी जो हिमायत के स्टेट हेड है उनका सबसे पहले धन्यवाद करूंगा जो यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के आए और आप लोगों से सीआरएम के बारे में जानकारी शेयर करी और हिमायत के बारे में। जस्ट मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आर्मी क्यों हिमायत पे जोर दे रही है और इससे आपको क्या फायदा जो मुझे नजर आ रहा है जो हो सकता है। हम किस अपना पूरे इलाके में बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं, आप लोगों से जॉब के बहुत लोग आते हैं, नौकरी के लिए बोलते हैं और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जितना हो सके आप लोगों को या तो जॉब प्रोवाइड कराया जाए या जॉब से संबंधित रास्ता आपको दिखाया जाए ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो सके। हिमायत या इसका जो नेशन में नाम है वो है दीनदयाल ग्रामीण कुशल विकास योजना, ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिससे स्किल डेवलपमेंट हो सके और आप लोग को उस स्किल के बेसिस पे, कुशलता के बेसिस पे, हुनर के बेसिस पे आपको जॉब मिल सके। यदि कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट है, स्कूल छोड़ चुका है या कॉलेज छोड़ चुका है और जो सरकारी नौकरी का समय होता है 23-24-25 साल, या वो समझता है कि वो सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता है या उसका समय निकल चुका है सरकारी नौकरी का, तो उस युवा के लिए, उस लड़की के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि जो लड़के हमारे पास जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, जो हमारे पास जो लोग आते हैं, मैं उनसे हमेशा ये पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे पास स्किल क्या, कैसे मैं तुम्हारी, क्योंकि वहाँ पे जो भी बच्चे जाते हैं मतलब अच्छा ही सिखाते हैं। सीआरएम के बारे में और कंप्यूटर सॉफ्ट स्किल सबकी नॉलेज मिलती है वहाँ पे, और मतलब जो बच्चे इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं मतलब ये इसके लिए बहुत बेनिफिट है। और मैं गई हूँ, मैंने ट्रेनिंग भी ली है और आधी लगभग बच्चों को सैलरी भी मिल रही है। सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में और इंग्लिश भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कोई आपको खाने, हाँ वहाँ पे मतलब खाना सब कुछ फ्री, यूनिफॉर्म सब कुछ, बुक्स वगैरह सब कुछ फ्री मिलती है। फिर वहाँ पे कोई परेशानी देते हैं वहाँ पे मतलब मतलब ट्रेनिंग कब, फ्राइडे सैटरडे या संडे के? तो ये ट्रेनिंग होगी हमारी मतलब बाई चॉइस होगी, मतलब किस फील्ड में कर सकते हैं। 10 महीने अभी मिलेंगे। उसके अलावा जो बाकी कोर्सेज थे वो फिलहाल गवर्नमेंट ने मॉडिफिकेशंस के लिए भेजे हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, रिटेलर्स हैं, जिसके प्रोसेस को चेंज होने में 2 महीने तो लग ही जाएंगे। क्वालिफिकेशन का सिस्टम है इसका क्या है सर? हाँ, मिनिमम पेश में आ सके 10th के नीचे ही, 10th पास अपीयर में। अच्छा सर, जैसे कि आज आपने एक हिमायत और आर्मी का एक यहाँ पे कोलैबोरेट एक प्रोग्राम मुनक्कित किया, इसके बारे में लोगों के लिए आप जानकारी, ये कौन सा प्रोग्राम और इनके लोगों के लिए क्या फ़ायदा है? ठीक है, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं इस प्रोजेक्ट में एज ए मोबिलाइजेशन हेड काम करता हूँ। आज हमने यहाँ पे जो 4-11 आरआर की वजह मतलब मदद से हमने एक प्रोग्राम काउंसलिंग कैंप किया है, एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस प्रोजेक्ट में उन बच्चों को मतलब फ़ायदा होता है जो बच्चा 10वीं 12वीं के बाद आज की डेट में घर पर बैठा है, कुछ काम काज नहीं कर रहा है, उन बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट स्कीम मिल रही है। इस प्रोजेक्ट में उन बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा, जो ट्रेनिंग कोर्स 5 या 6 महीने का रहेगा। 5 या 6 महीने में जितना भी खर्चा रहता है बच्चे का, जैसे खाना पीना रहना, वो सारा का सारा गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। जब बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बच्चों को हमारी तरफ से प्लेसमेंट मिलेगी, मतलब यानी कि बच्चों को हमारी तरफ से जॉब मिलेगी। ठीक है, और जो हम कोर्स करवा रहे हैं बच्चों को वो CRM का करवा रहे हैं, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ये कोर्स कहाँ पे किया? ये जो कोर्स होगा मेरन साहब जम्मू में होगा। ठीक है, वहाँ पे लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग से हॉस्टल है, जो भी खाना पीना रहेगा वो सारा का सारा इनको हॉस्टल में प्रोवाइड। कब से ये कोर्स शुरू हो रहा है? अभी हमने जैसे इनको बताया लेक्चर में भी, सर ने बताया कि आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा। देखो अभी बच्चा ये बोल रहा होगा कि हमने जाना है ट्रेनिंग करने के लिए जाना है, अभी घर पे भी बात करके क्या सलाह मशवरा होगा, फिर हम बच्चों को कॉलिंग करेंगे, बच्चा फिर हमारी तरफ से इनको
हॉल जाएगा, तो जो जो बच्चा रिवीलिंग होगा जाने के लिए, तो हम उन बच्चों को एक लोकेशन दे देंगे, जैसे हम यहाँ पे मुगल मैदान में एक गाड़ी करवा देंगे और यहाँ से हम बच्चों को ले जाएंगे। तो जो यहाँ पे नहीं आए बच्चे उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? जैसे हमने अभी क्या कहते हैं आपके माध्यम से भी उनको हमारी आवाज़ आएगी, और हमने इनको पम्पलेट्स वगैरह बच्चों को दिए हैं, उसमें नंबर दिया गया है, जो बच्चा अगर उनका रिलेटिव आना चाहेगा तो इसमें नंबर दिया गया है संजय के नाम से, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं, ये मेरा ही नंबर है, वो कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं।